डॉक्टर रितु, जो आपके साथ हुआ है कैसे देखते हो? FIR जो है हो गई, उसके बाद में चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल होने के बाद में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्या समझते हो? यहाँ भी जातिवाद हो रहा है, पुलिस ने जिस प्रकार से हाई कोर्ट में कहा है कि हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, कैसे देखते हो पूरे मामले? हाई कोर्ट में कहा भी और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में आया भी है। जज ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जज ने इस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी, बस जज ने जो IO ने कहा है वो कोर्ट कर दिया। जबकि जज ने भी ये कहा कि जब जो कानून कहेगा तब तो अरेस्ट करना पड़ेगा ना। मेरे लिए बहुत बड़ी धक्के की और शर्म की बात ये थी कि IO जो है, एक तो वो हमारी ही जाति से आते हैं, बिल्कुल सेम कम्युनिटी से हैं, और दूसरा सबसे बड़ा धक्का ये लगता है कि आप IO हैं तो आपको मेरे केस में रहना है, मेरे पक्ष में बोलना है, क्योंकि आप मेरे केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। IO ACP रैंक का होता है ST केस में, और वो IO कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी स्टेटमेंट देके आते हैं। और उन्होंने बहुत बारी मुझे पहले भी बोला था, जब मैं उनसे पूछती थी कि सर अब तो ये पेपर्स पे आ चुका है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है वो कॉलेज को मौका टाइम देती है कि ये जो आपने झूठ बोला है, ये जो हमारा आरोप है उसको सिद्ध साबित करें, अगर नहीं करें तो बताओ। तो जो 35 बच्चों के लिए इन्वेस्टिगेशन कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज के पूरे रिकॉर्ड में जितने बच्चे हैं वो 35 के 35 बच्चों का नाम ही नहीं है कहीं। वो जो सिग्नेचर्स फोर्ज हैं वो 35 बच्चे पूरे कॉलेज के अंदर ही नहीं है। थोड़ा सा पीछे कर ले, मैं पीछे चली जाऊंगी। 35 बच्चे पूरे कॉलेज में ही नहीं है, वो सिग्नेचर भी फोर्ज है, वो 35 बच्चों के नाम भी फोर्ज है। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप कैसे पता कराएंगे कि 35 बच्चे किसी के हैं जब तक आप उन्हें हिरासत में नहीं लेंगे? ऑब्वियसली ऐसे तो वो भागेंगी, ऐसे तो वो मैनिपुलेट करेंगी। जैसे उनपे एक नहीं उनपे दो दो FIR है। मैं एक और चीज आपको बता दूं, उनपे मेरे गवाहों को थ्रेट करने का भी, मेरे गवाह जो थे, जो चश्मदीद गवाह थे इस केस के, उनको थ्रेट किया गया, मेरे गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई, उनपे वो भी FIR है। तो मैंने जब उनसे ये कहा कि IO साहब इतना बड़ा आरोप है आप गिरफ्तार करें, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे नौकरी भी करनी है, मुझे रिटायर भी होना है, मेरे भी बच्चे हैं, मुझ पर प्रेशर है। तो मैंने, मतलब आप सोचिए कौन सी ताकतें हैं जिनका ऑब्वियसली जो ऊपर समाज में बैठे हैं, ये जाति कभी नहीं जाती, हमारे लोग जो है वो डर जाते हैं या मानसिक गुलामी करने की आदत पड़ जाती है, सच का साथ नहीं देना। जिस तरीके से सर ने कहा कि पता नहीं ऐसी कितनी डॉक्टर रितु होंगी, ये तो मैं हूँ जिसने हिम्मत रखी है। यकीन मानिए मेरी भी बहुत बड़ी मेंटल कैपेसिटी खत्म होने की कदार पे आ गई थी, मैंने भी एक बड़ी हिम्मत हार दी थी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने साथ कुछ गलत करूंगी, मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं अपने समाज की, शायद ही मेरे अंदर मैं कैपेसिटी भी खत्म हो जाए तो भी शुक्रिया अदा करूंगी ऐसे एडवोकेट का जो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, एडवोकेट महमूद प्राचा जो मेरे वकील हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी जिन्होंने टाइम बाय टाइम जब भी मैंने बोला वो मेरा साथ दिया, वरना मेरा भी आज शायद रोहित वेमुला और पायल तड़वी की तरह एक नाम होता, सच बोल रही हूँ मैं। और मैं उन लोगों से आज गुजारिश करती हूँ अपने समाज के, वैसे तो मेरा हक बनता है उनसे मांगने का, लेकिन मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, क्योंकि जब आप जीते जी गुहार लगाते हो ना समाज से कि मेरी मदद करो, मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूँ, तो सब जिसे कहते हैं ना खड़े होकर तमाशा देखते हैं, कोई आपकी मदद करने उस टाइम पे नहीं आता। और शायद यही रोहित वेमुला के साथ और पायल तड़वी के साथ, प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ भी हुआ होगा जम्मू यूनिवर्सिटी में, जिनके ऊपर झूठा सेक्सुअल हेरासमेंट का आरोप लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मीडिया से भी, समाज से भी, कि प्लीज ये बहुत बड़ी चीज हुई है। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने 100 साल मनाए हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है ST केस में किसी के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, ना प्रिंसिपल पे ही नहीं सिर्फ रजिस्ट्रार पे भी। आप मेरा साथ दें, इन लोगों को जेल का दरवाजा दिखाएं। जो आपने प्रोटेस्ट कॉल किया जी, उसका उद्देश्य क्या? मैंने कॉल नहीं किया, समाज ने कॉल किया। क्या उद्देश्य है उसका? उसका उद्देश्य यही है कि वी डिमांड इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ डॉक्टर सविता रॉय, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ दौलतराम कॉलेज, वी डिमांड इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रार एंड अरेस्ट ऑफ द रजिस्ट्रार एंड जो भी इसमें मिले जुले हैं उन सबका अरेस्ट हो। और वी डिमांड, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय ना इंटरव्यूज चल रहे हैं परमानेंट के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ST का हक है ना, OBC ST ST का, वो जिसे कह रहे हैं ना काटने स्लॉटर के आधार पे चल रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो जो उनका बैकलॉग है, जैसे सर ने बताया कि जो हमें NFS कर दिया है नॉट फाउंड सूटेबल करके, आज से 1962 से अगर आप ले लो, ये 62 से चलती आ रही घटनाएं हैं। हम लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल करके उस पर जनरल कैटेगरी के लोगों को पढ़ा दिया जाता है। हमें उनसे नफरत नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें किसी से नफरत नहीं है। हमें जो नॉट फाउंड सूटेबल किया अपनी साजिश से इन्होंने, हम वो अधिकार मांग रहे हैं, हमें ST का बैकलॉग मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो आप परमानेंट भर्तियां कर रहे हो ना दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो हमारी, वो हमें दे दो, हमारे लोगों को हमारा जो बैकलॉग है वो दे दो, बस हमारी लड़ाई वहां खत्म है। क्योंकि एक सेकेंड, वो जो अधिकार हम मांग रहे हैं वो कोई नजायज नहीं है मांग, वो मांग वो है कि आप माने कि अगर हमें बैकलॉग मिलेगा जो ST को गांव देहात से ढूंढ के लाना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाओ,
आके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बैठो, हम गलत तो नहीं मांग रहे ना, हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं जी। इतने लंबे समय से प्रोफेसर माफ कीजिएगा डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर को इतना सपोर्ट रहा है सिस्टम का जी, 28 तारीख के प्रदर्शन के बाद भी अगर गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं होती है तो क्या वो प्रदर्शन ये 28 तारीख एग्जैक्टली ये कंटिन्यूअस प्रदर्शन है जो मेरे सुनने में आया, अभी तो अगर ऐसा ही होगा ये 28 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुंचेगा बिल्कुल। और हमें उम्मीद है पूरे बहुजन परिवार इसमें साथ देगा, मीडिया हमारा साथ देगा, बहुजन मीडिया ही जो है वो असली मीडिया है और हमें आप ही सबसे उम्मीद है सोशल मीडिया से कि आप हमारी आवाज को वहां पे मुखर रूप तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से SC/ST एक्ट डिल्यूट होने से हमने 2018 को बचाया था, 2019 में रोस्टर के अध्यादेश आया था, 13 पॉइंट रोस्टर वापस गया था और 200 पॉइंट रोस्टर आया था, इस तरीके से जिस तरीके से किसान आंदोलन भी वापस गया, इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी अंजाम तक जाएंगे क्योंकि ये पहली ऐसी लड़ाई है, पहला ऐसा केस है जिसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। उम्मीद है कि बहुजन परिवार का पूरा